अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, रुखसार ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है दिल्ली का देगी स्ट्यू। ये दिल्ली की बहुत ही फेमस डिश है, दिल्ली स्टाइल में बना हुआ है। ये दिल्ली पार्टी में, शादी में इसे बहुत पसंद करा जाता है और ये हर फंक्शन में इसे पसंद करा जाता है। ये रोटी भी मैंने तंदूरी घर में बनाई हूँ, होममेड है ये। इसका लिंक आपको आई बटन दबाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका। चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। एक किलो हमने मटन लिए है, आधा किलो हमने प्याज लिए है, प्याज को हमने इस तरीके से बारीक काट लिया, आधा किलो टमाटर है, 100 ग्राम दही है, ये लहसुन लिए हमने, 10 से 15 लहसुन है, इसे हमने अखा रखा है, ये अदरक है, अदरक को हमने इसे बारीक काट लिया है, और ये है कोथमीर, कोथमीर की डंडी है, ये हमने लिया है, इससे टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी, कोथमीर की डंडी, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। ये दो तीन हरी मिर्ची है, इसे हमने बारीक काट लिया है, ये दो तेज पत्ते हैं, गरम खड़े मसालों में लिए हमने, जीरा लिए एक टेबल स्पून, हल्दी लिए हाफ टेबल स्पून, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 ये काली मिर्च है, 4-5 लौंग है, ये फूल लिए हमने जावित्री का, 2 बड़ी इलायची है और ये 4 छोटी इलायची है, एक टेबल स्पून धनिया लिए हूँ मैंने अखा, ये इसे हमने इसे कूट लिया है, अखा धनिया को कूट ली हूँ मैंने। अब चलते हैं हम हंडी तैयार करने। आज हम बना रहे हैं दिल्ली का देगी स्ट्यू, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक देग। अब हम देग में मटन को डालेंगे, इसी में प्याज भी ऐड कर लेंगे क्योंकि हम इस स्टाइल में बना रहे हैं देख के, तो सब मसाला इसी में ऐड करेंगे। पहले ज़माने में ऐसी दिल्ली में बनाया जाता था। प्याज भी हमने ऐड कर लिए, मटन भी, अब टमाटर भी इसी में ऐड कर लेंगे, लहसुन भी, लहसुन चाहिए तो आप कूट के भी डाल सकते हैं, हमने अक्के डाले, ये अदरक है और ये कोथमीर की डंडी है, इससे भी बहुत अच्छा टेक्सचर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये भी डाल, गरम खड़े मसाले भी इसी टाइम पे ऐड कर लेंगे और दही भी। अब हम इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना नमक आप खाते हैं उतना ऐड कर लीजिए। तीन बड़ा ऐसे मैंने चम्मच ली हूँ ये वाला, तीन भर के ऐसे ले लेंगे हम और अच्छे से मिला लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिला के और इसे ढक के हम एक घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन होने के लिए। एक घंटे के बाद हम इसे पकाएंगे, जब कुक करते हुए मैं आपको बताऊंगी। मसाला अच्छे से मटन में मिल गया है, देखिए सब अच्छे से हो गया है मिक्स। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छी हंडी बनती है ये। और एक चीज़ मैं भूल गई थी आप लोगों को बताना, रेड चिल्ली यक्खी वाली, ये सूखी है, इसे मैंने 5 लिए, इसे इस तरीके से टुकड़े कर लिए, ये भी इसमें ऐड करना है, ये भूल गई थी, तो ये अब मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे ढक के रख दूँगी मैं एक घंटे के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कुक करने के टाइम पर। एक घंटा हो चुका है मसाले को लगा के, देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक आया इसका, ये पानी छोड़ दिया दही ने भी, प्याज ने, और ऑयल भी देखिए किस तरीके से ऊपर आ गया है। अब इसे हम कुक होने के लिए रखेंगे 20 से 30 मिनट के लिए, फिर चेक करके देखेंगे गला के नहीं गला। इसे इसी हंडी में बनाएंगे हम क्योंकि देगी स्टाइल है, तो
तो हम इसी में मटन हमें गलाना है। तो अब इसे हम ढक के रखते हैं, गैस ऑन करते हैं, उस पर रखेंगे। गैस पे रख दिया हमने इसे पकने के लिए। 30 मिनट के बाद हम इसे चेक करके देखेंगे। माशाल्लाह से देखिए अच्छे से कुक हो रहा है ये। अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करी हूँ, पानी इसमें खुद ही अपना छोड़ दिया है, गोश्त में, प्याज में, सब चीज़ में। तो दही भी इसमें ऐड कर दें ना, तो इसलिए अभी इसे ढक के हम और पकाएंगे 20 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बना है, बन के तैयार हो चुका है हमारा स्टू। सब चीज़ अच्छे से गल गई है, बहुत ही अच्छा कलर लुक आया इसके अंदर, और मटन भी गल चुका है। 35 मिनट्स लगे इसको पकने के लिए अच्छे से। हमने और 5 मिनट से पकाएंगे, फिर डिश आउट करेंगे। ये देखिए दिल्ली का देगी स्ट्यू बनके तैयार हो चुका है। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से इसे बनाया, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और कम टाइम में बन गया। आप लोगों ने देखा मैंने किस तरीके से बनाया देख में, इसे गोश्त भी एकदम गल गया इसका। ये मत सोचना आपके देख में बनाई हूँ तो नहीं गलेगा, मगर ये बहुत ही आसानी से गल गया है। मैं आपको एक चेक करके बताती हूँ। ये देखिए मटन भी अच्छे तरीके से गल गया है ये। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा और टेस्टी लग रहा है ये देखने में। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। जिस इंग्रेडिएंट्स मैंने ली थी जिस तरीके से, आप भी उसी तरीके से लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा ये। आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर देख के मुझे बताना, कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में जल्दी। थैंक यू।